नाम है संचिता और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संचिता क्राफ्ट शॉप। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर लिपन काम या लिपन आर्ट पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। ट्रेडिशनली लिपन आर्ट किस तरह से बनाया जाता था, इसके ऊपर मैंने अपना पहला वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिपन आर्ट आज के जमाने में यानी कि मॉडर्न टाइम्स में किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मॉडर्न टाइम्स में लिपन आर्ट कई डिफरेंट तकनीकों से बनाया जाता है। इसमें कई अलग अलग तरह का सामान भी यूज किया जाता है, लेकिन हर एक टेक्निक बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिपन आर्ट ब्रॉडली तीन टेक्निक्स में बनाया जाता है। पहला मोजाइक टेक्निक से, जिसका एक प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर दो क्ले वर्क टेक्निक से, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर तीन कोन वर्क टेक्निक से, केक डेकोरेशन के लिए जैसा कोन बनाते हैं या हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए जैसा कोन बनाते हैं, वैसे कोन से डिज़ाइन बनाना है और फिर मिरर पेस्ट करना है। कोन भी कई अलग अलग चीज़ों से बना सकते हैं, बेबी पाउडर, चॉक पाउडर, वॉल पुट्टी, मार्बल डस्ट, सेरेमिक पाउडर, ग्राउट पाउडर वगैरह वगैरह वगैरह। सभी के बारे में हम वन बाई वन डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम वॉल पुट्टी के कोन से लिपन आर्ट बनाना सीखेंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए एक प्लाईवुड का पीस ले लिया है। मैंने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बड़ा पीस कट किया था, उसमें से ये बच गया था, तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है जैसो। जैसो का मैंने एक ही लेयर अप्लाई किया है, इसको अच्छे से सुखा लिया है। अब इसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर का एक लेयर डालूंगी। ये एक्रेलिक कलर है फेविक्रिल का, आपके मनपसंद कोई भी कलर से बेस को पेंट कर सकते हैं या चाहे तो इसे वाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैं फटाफट से लाइट ग्रीन कलर से पूरे बेस को पेंट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कलर के दो कोट्स नहीं करने वाली हूँ, बस एक ही कोट करूँगी, क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है। और वैसे भी पूरे में लिपन आर्ट का काम होगा, फिर मिरर्स चिपकेंगे, तो मुझे दो लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक ही लेयर इस कलर का अप्लाई कर देती हूँ और इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब तक ये सूखता है तब हम कोन बना लेते हैं। इस वीडियो में जो हम लिपन आर्ट कर रहे हैं वो हम कोन वर्क से करेंगे। तो कोन पहले बनाने के लिए हमें एक अच्छा सा प्लास्टिक का कोन पहले तैयार करना होगा, कोन का कवर। उसके बाद हम उसके अंदर क्या किस मटेरियल का कोन बनाएंगे, वॉल पुट्टी का बनाएंगे या सीमेंट का बनाएंगे, वो बात की बात है। पहले हमें अच्छे से कोन्स बना लेने हैं प्लास्टिक से। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरह के मोटे प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं। जो कभी नए कपड़े आते हैं इन प्लास्टिक्स के अंदर, या फिर कुछ और जैसे कोई फाइल या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड, इस तरह से उसके साथ एक कवर ऐसा आता है ट्रांसपेरेंट सा, तो उसकी प्लास्टिक काफ़ी थिक होती है, तो मैं इनको रख देती हूँ। इसके अलावा हम मिल्क पैकेट्स भी ले सकते हैं, उनको लेके अच्छे से धो के एकदम रख दीजिए, इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के प्लास्टिक के रोल्स, जो हमें स्टेशनरी शॉप्स में आसानी से मिल जाएंगे। ये हम बुक्स और नोटबुक्स को कवर करने के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इस सेशन के तो सारे बुक्स और नोटबुक्स मैंने कवर कर दिए हैं अपने बेटे के, तो देखिए इतना सा पीस बचा हुआ है। तो इससे मेरे काफ़ी सारे कोन निकल जाएंगे, चार कोन तो निकल ही जाएंगे मेरे इसमें से। बस ये ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पतला ना हो, नहीं तो कोन वर्क करने जाएंगे और प्लास्टिक ही ना फट जाए। तो प्लास्टिक के साथ सेलो टेप और कैंची तो चाहिए ही। तो चलिए पहले प्लास्टिक को मैं कट कर देती हूँ और इससे एक कोन बनाती हूँ। वैसे तो कोन बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना चाहिए, मीडियम बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो फिर उसको प्रेस करते करते, कोन वर्क करते करते हाथ में बहुत दर्द होता है, क्योंकि पेस्ट थोड़ा थिक ही बनता है, ज़्यादा पतला बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिर जब बहुत थिक पेस्ट आप इतने छोटे से नॉजल में से निकालेंगे तो बहुत प्रेशर लगता है, जितना बड़ा कोन होगा उंगली में उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, इसलिए साइज़ छोटे रखना ही बेटर है। अभी मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद अगर मेरे को लगेगा कि छोटा साइज़ करना है तो मैं इसको छोटा कर दूँगी, ऊपर से कट कर देंगे लेंथ में। बाहर से भी और अंदर से भी अच्छे से सेलो टेप से सिक्योर कर देंगे। मोटे वाले सेलो टेप से मैं कोन की जो ओपनिंग है उसको भी अच्छे से बंद कर दूंगी। इससे क्या है कि 100% हम श्योर हो जाते हैं कि बिल्कुल भी कोई एयर गैप नहीं है, जब हम यूज़ करेंगे तो हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ओपनिंग को अच्छे से बंद कर दिया है। अब सेम इसी तरह से मैं मिल्क पैकेट से भी कोन बना लेती हूँ। दो तीन एक्स्ट्रा कोन बना के रखती हूँ, बाद में यूज़ हो जाएगा।
लेकिन इसके अंदर जो पेस्ट भरेंगे उसे थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो देखिए ये कलर मेरा सूख गया है, अब बेस बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। हमारे पास मिरर्स क्या क्या अवेलेबल हैं ये देख के ही हमें डिज़ाइन बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने के बाद फिर ऐसा ना हो कि कुछ मिरर कम पड़ जाए या तो कोई शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है, फिर बाद में सेम टू सेम मिरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है। तो मेरे पास भी जो कुछ अवेलेबल था मैंने सारा निकाल के साइड में रखा है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले मैंने अपने बेस को मेजर कर लिया था, ये पूरा स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो इस हिसाब से मैंने डिवाइड करके इसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया है। अब यहाँ से मैं कुछ सर्कल्स बनाऊंगी। ये एक सर्कल तो मैंने मिडिल में ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद जो लाइन बनाएंगे उससे पहले एक जो मिरर हम चिपकाएंगे उसे देख के एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नेक्स्ट वाली लाइन मुझे कहाँ पे ड्रॉ करनी है, कितना गैप छोड़ना है। क्योंकि लिप्पन आर्ट में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि लाइन तो हम पेंसिल से बना रहे हैं, ये बहुत पतली लाइन है, लेकिन हम एक्चुअली में कोन से वर्क करने वाले हैं। वो कोन थोड़ा मोटा होगा तो काफ़ी थोड़ी सी जगह ले लेगा। तो एकदम एग्जैक्ट अगर मिरर होगा तो फिर बाद में जब हम मिरर चिपकाएंगे तब देखेंगे कि जगह छोटी पड़ गई। इसीलिए मिरर रख के अंदाज़ा लगा लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद लाइन बनाइए ताकि थोड़ी स्पेस रहे, क्योंकि कोन वर्क थोड़ा मोटा होगा वो जगह ले लेगा, फिर मिरर जब चिपकाएंगे अगर छोटा हो गया तो उसे हम बदल नहीं सकते। तो लिप्पन आर्ट का डिज़ाइन बनाते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो भी मिरर कट पीसेज अवेलेबल थे मैंने इसमें रख के देख लिया है, कहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना है, कैसा डिज़ाइन बनाना है, ये देख के मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं वॉल पुट्टी से लिप्पन आर्ट के कोन्स बनाऊंगी। मैंने यहाँ जेके वॉल पुट्टी यूज़ किया है। पेस्ट बनाने से पहले हम पुट्टी को छान लेंगे, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं तो इन्हें हमें हटा देना है, नहीं तो पेस्ट स्मूथ नहीं बनेगा। मैंने 3 स्पून वॉल पुट्टी लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स साथ में चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून फेविकॉल और 1 स्पून वाइट ऑयल, कोई भी वाइट ऑयल ले लीजिए, ऑयल से पेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा स्मूथ बनेगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर पेस्ट बहुत थिक लग रहा है तो थोड़ा सा और फेविकॉल ऐड कर सकते हैं और जस्ट 3-4 ड्रॉप्स पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक्चुअली ये पेस्ट 2 बार बनाया है। एक मैंने कल बनाया था, उस कोन से मैंने थोड़ा वर्क किया और आधा कोन मैंने रबर बैंड लगा के रख दिया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये 24 घंटे बाद पेस्ट सही रहता है, सॉफ्ट रहता है या फिर सूख जाता है। मैंने उसे बिल्कुल अच्छे से पैक करके एयर टाइट कंटेनर में ही रख दिया था, तो उसे मैं आज खोलकर देखूंगी कि क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और ये वाला मैं दूसरी बार बना रही हूँ, जो मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रही हूँ, ये मैं अभी बना रही हूँ, फ्रेश बनाकर इसे तुरंत ही यूज़ करूँगी। और ये रेडी हो गया हमारा वॉल पुट्टी का पेस्ट। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, ना तो ज़्यादा पतली है कि स्पून से आराम से गिर रही है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी जैसे कि टूथपेस्ट की होती है, बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। अब इस पेस्ट को हमें इस कोन के अंदर फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट भी मत फिल करिएगा, नहीं तो कोन अच्छे से हम बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में ज़्यादा पेस्ट भर दिया था और सेलो टेप से उसे सिक्योर कर दिया था, बट बाद में मुझे लगा कि यूज़ करते टाइम कहीं पेस्ट ऊपर से निकल ना जाए, तो फिर मैंने थोड़ा निकाल के रबर बैंड से लॉक किया। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है बट अभी थोड़ी देर में यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि ये वॉल पुट्टी का पेस्ट तुरंत बना के तुरंत यूज़ करने से तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन क्या अगले दिन के लिए भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, उसका रिजल्ट भी हम आगे देखेंगे। ये देखिए, मैंने इस एयर टाइट कंटेनर में इस कोन को कल रख दिया था, कल मैंने आधा यूज़ किया था और आधा बचा हुआ है। तो अब देखेंगे इसकी हालत कैसी है, क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। यह बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, मेरे तो एक हाथ से भी नहीं प्रेस हो रहा है, मैं दोनों हाथों से प्रेस कर रही हूँ तब निकल रहा है, लेकिन इसमें जो स्टिकीनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब ड्राई आउट हो चुका है ये बिल्कुल। तो वॉल पुट्टी का कोन चाहे हम कितने भी अच्छे से सील करके रखें, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, लेकिन वो अगले दिन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा।
वॉल पुट्टी का कोन अगर यूज़ करना है तो तुरंत बनाइए और तुरंत उससे काम कर लीजिए। इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे और तुरंत यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखा दिया। अब आज अभी जो हमने पेस्ट बनाया है उसको फटाफट से यूज़ कर लेते हैं और उससे लिप अनार्ट का काम कर लेते हैं, कहीं वो भी ना सूख जाए। तो कोन को तो मैंने सेलो टेप से सिक्योर कर दिया था, वही इसीलिए मैं नोज़ल को अभी थोड़ा सा कट कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मुझे कितना मोटा चाहिए। तो जो थिकनेस का मुझे पेस्ट चाहिए उतना मैंने कट कर लिया है। अभी बहुत धीरे धीरे से आराम से हमें कोन को प्रेस करते हुए पेस्ट को निकालना है और अप्लाई करना है। डिज़ाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट उसी के ऊपर से हम धीरे धीरे कोन से बनाते रहेंगे डिज़ाइन। अच्छा, ये कोन देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला कौन सा कोन है, मैंने तो बड़ा कोन बनाया था। वो मैंने आपको बताया ना पहले कि मैंने ज़्यादा पेस्ट भर दिया था, तो उसी कोन में से 2-3 चम्मच निकाल के मैंने 2 कोन्स बना लिए बाद में। फिर मैंने इसे रबर बैंड से लॉक कर दिया था, तो वही वाला यहाँ यूज़ कर रही हूँ। पेस्ट थिक है, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उंगली में दर्द होगा, इसीलिए छोटे कोन्स बनाएं। वीडियो बनाने के लिए कितना अच्छा है ना, हम किसी भी पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मगर ये वाला स्टेप एक्चुअल में हमें बहुत धीरे करना है। कोन वर्क आपको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, कभी पेस्ट ज़्यादा निकल जाए, कभी रुक जाए, तो कोन के ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करके इसे चलाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ये बेटर होता जाएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरा तो पेस्ट फैल रहा है या ठीक से बन नहीं रहा और काम बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। जैसा कि ज़िंदगी में पहली बार बनाई हुई रोटी कभी गोल नहीं बनती, बनाते 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 कहीं जाके फिर वो अच्छी बनती है, कोन वर्क का भी कुछ ऐसा ही हाल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ड्रॉ किए हुए डिज़ाइन के अनुसार हम अपना कोन वर्क कर लेंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पेस्ट बच गया था तो मैंने सोचा कि इसे रख के तो फ़ायदा नहीं है, सूख जाएगा, तो एजेस पे मैंने थोड़ा इसे अप्लाई कर दिया है। वैसे भी मैंने एजेस पे कुछ किया नहीं था, मैंने इसे ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट दिन मैं इसके ऊपर अभी वार्निश अप्लाई करूँगी। जनरली हम वार्निश एकदम लास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पहले वार्निश कर रही हूँ उसके बाद मिरर्स चिपका रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वार्निश मिरर्स के ऊपर तो नहीं करना, हमें तो सिर्फ बेस पे करना है। मिरर्स को छोड़कर बाकी सारी जगह पे वार्निश होना चाहिए, लेकिन मिरर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस ज़्यादा इजी है कि पहले हम वार्निश कर लें, सुखा लें, उसके बाद मिरर्स चिपका दें और बस प्रोजेक्ट रेडी है। लेकिन अगर हम पहले से मिरर चिपका दें उसके बाद हम वार्निश करने जाएंगे तो हमें मिरर्स को बचा बचा के बाकी जगह पे वार्निश करने की ज़रूरत होगी, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और थोड़ा बहुत तो मिरर्स पे लग ही जाएगा, फिर मिरर्स को साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छी ट्रिक यही है मेरे हिसाब से, पहले कोन वर्क, फिर वार्निश और फिर मिरर्स चिपकाना। इससे काम ईजी भी होगा और परफेक्ट भी होगा। तो वार्निश भी 2-3 घंटे में सूख गया है अच्छे से, अब फाइनल स्टेप हम मिरर्स चिपकाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हाथ भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा बेटा जो है इन मिरर्स के पीसेस को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, कितने अच्छे मिरर्स हैं, चमचमा रहे हैं, मुझे भी इनसे काम करना है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे भी वो मेरे हर प्रोजेक्ट में बस कूद पड़ता है मुझे भी करना है करके, तो मैंने इसमें उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है चलो हम सावधानी से करेंगे। और वो 6 साल का हो चुका है, उसे इतनी समझ है कि किन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, बचपन से मुझे ये सब करते हुए देखते तो आ ही रहा है वो। तो इसीलिए मैंने ग्लू लगाया है और उसने आराम आराम से सारे मिरर्स चिपकाए हैं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे वैसे उसने मिरर्स चिपकाए हैं। और इस प्रोसेस को हमने बहुत ही धीरे, बहुत ही सावधानी से, आराम से किया है। 40-50 मिनट्स में हमने ये सारे मिरर्स चिपकाए हैं। तो यही स्टेप हमारा आखिरी स्टेप था मिरर्स चिपकाने वाला। अब इसे सूखने के लिए रख देती हूँ, मैं इसे ओवरनाइट सुखा लूँगी और अगले दिन आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरे छोटे से लिपन आर्ट प्रोजेक्ट का फाइनल लुक। ये वीडियो मैंने वॉल पुट्टी का कोन कैसे बनाते हैं ये बताने के लिए बनाया था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस वॉल पुट्टी के कोन को यूज़ करके कोई होम डेकोर आइटम या फिर कोई वॉल हैंगिंग ज़रूर बनाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।